तो गाइज यार आज जो है मेरे एक बहुत ही खास दोस्त स्टूडियो के अंदर आने वाला है, तो उसी की तैयारी चल रही है क्योंकि मैं उसके साथ में एक प्रैंक करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप बने रहना इस वीडियो के अंदर, देखते हैं क्या होता है, बहुत मजा आने वाला है। तो गाइज सिस्टम ऑन हो चुका है, मेरे टच मत कर देना कोई, पहले बता दूं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं, मैं टच नहीं करना अपने को। ठीक है, मेरे टच मत करना कोई, पहले बता रहा हूँ, आ जाओ आ जाओ। अरे वाह क्या बात, कैसे हो? बस बढ़िया, सब बढ़िया। कोई दिक्कत तो नहीं हुई आने में? यार फोन नहीं उठा रहा, नेटवर्क का इशू आ गया। अरे वो क्या, फोन फ्लाइट मोड पे था ना इसलिए। क्या हुआ, झटका लग रहा है? किस बात का झटका? क्या हुआ? अरे झटके लग रहे यार। अरे नहीं लग रहे, आप मिलाओ। अरे क्या हो गया भाई? अरे नहीं नहीं, अरे आप मिलाओ। नहीं 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 यार, क्या हो गया ये? ये ऐसी दोस्ती है, मतलब ऐसी दोस्ती है? तो कुछ कर रहा है भाई, भाई भाई कुछ कर रहा है, प्रैंक कर रहा है। ठीक है यार, बंद कर दिया भाई, बंद कर दिया, आपको बुला लो। ऐसे कौन स्वागत? अरे नहीं है, अब नहीं है यार। कैसे हो? तो गाइस ये है वो जनाब जिसकी मैं बात कर रहा था। वैसे तो आप सभी लोग इन्हें अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये एक्टर होने के साथ साथ मेरे बहुत ही परम मित्र भी हैं। और बाकी जयपुर में हमारी मुलाकात हुई थी, उस कितने टाइम बाद मिल रहे हैं अपन? हो गया भाई, कोरोना के पहले की बात है ये। हाँ। तीन साल हो गए, तब इन्होंने वादा किया था और मतलब बुलाया था कि भाई हमारे यहाँ आओ, मिलो, मजे आएंगे, दाल बाटी खाएंगे। अब यहाँ देखो करंट से स्वागत कर रहे हैं, पधारो हमारे देश के। भाई नहीं नहीं, गलती मेरी नहीं है, गलती इनकी भी है। यही कहते थे जब साथ में आएंगे ना, साथ में एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो पहला एक्सपेरिमेंट यही था। भाई एक्सपेरिमेंट का मतलब ये था कि गाड़ी घोड़ा चलाएंगे बढ़िया, वो कुछ ऐसा करेंगे, धुआं उड़ाएंगे। तो गाइस यार आज भाई और मैं मिलके दोनों साथ में बहुत ही कमाल का एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, और बड़े दिनों बाद मिले हैं तो इनसे आपको भी मिलवाएंगे। इसीलिए आप इस वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखना, यकीन मानो आपको मजा आ जाएगा। अरे चाय वाय बनवाते भाई के लिए यार, बोलेंगे कुछ खिलाया पिलाया नहीं। सही बात है। जाओ 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 भाई, असली वाली चाय पिलाना। हाँ असली वाली, नमक डालना, नमक नमक। अरे यार नमक नहीं यार, नमक नमक वाली अच्छी रहती है सेहत के लिए। नमक डालते चाय में? हाँ डालते हैं ना हमारे इधर। चल झूठा। अच्छा फिर थोड़ी यार, थोड़ी भाई, पहले थोड़ी एक्सपेरिमेंट कर ले यार। ये फंस गया सी है यार, तुम लोग से डर लग रहा है ये। तो नमक वाली शरीर के लिए अच्छी रहती है, डायबिटीज नहीं होती उससे। चल भाई पी लेंगे नमक वाली। हाँ नमक वाली लाना है ना। दोस्ती में क्या करें यार, कुछ गड़बड़ लग रही है यार। अरे सब ठीक है यार। कैसी चाय यार, मैं डरा हुआ था कि नमक न डलवा दे भाई। अरे नहीं नहीं, चाय कैसी? चाय अच्छी है, बढ़िया है। अभी आपने राजस्थान की दाल बाटी नहीं खाई है यार, लेकिन खानी है ना, वादा अभी बनाएंगे, शाम को बनाएंगे। पहले मुझे तुम एक बात बताओ, तुम तो कहते थे यार कि बड़ा ये मुझे एक्सपेरिमेंट वगैरह से डर लगता है, ये फिजिक्स विजिक्स मेरे समझ में नहीं आती, और अब तुम खुद ही फिजिक्स वाला बन के फिजिक्स सिखा रहे हो लोगों को, मतलब क्या है ये सीन, समझ नहीं आया कुछ? यार कलाकार तो हैं ही हम। हाँ और फिर कलाकार जो है वो तो कुछ भी कर सकता है ना, हमसे कहो कि जहाज उड़ाएंगे तो जहाज उड़ाएंगे, तो फिजिक्स पढ़ाना पढ़ा दिए, लेकिन ये था कि मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। नहीं यार क्योंकि देखो मेन क्या होता है, वैसे जो नॉर्मल आप ये डायलॉग डिलीवरी करते हो वो एक अलग चीज है, फिजिक्स के अंदर की पूरी मतलब आपको मतलब पूरी परिभाषा है और ये सारी मतलब वर्ड टू वर्ड देखना होता है, तो ये सब कैसे मतलब समझानी? उससे भी बड़ी मुश्किल बात ये थी ना कि अध्यापक का रोल कर रहे हो आप, और अध्यापक मतलब समझो बच्चों के बहुत करीब, कोई भी अध्यापक यार जो बहुत बढ़िया पढ़ाता है बच्चों के बहुत करीब, तो हम सब भी तो रहे भाई अपने अपने टीचर को आज भी प्यार करते हैं, तो ये था डर कि ऐसा ना हो कि बहुत नकली लगूं, ऐसा लगे ना, और फिजिक्स मुझे नहीं आती थी मतलब नहीं आता बिल्कुल, तो डब्बा खोलता बचपन में। पढ़ी है, ऐसा नहीं नहीं पढ़ी है, 50-60 नंबर तक आ जाते थे पर आ ही जाते थे। ये देखो बाकी इनकी बोली सूरत पे मत जाना, ठीक है, बहुत बड़े कलाकार हैं ये। इनका जो वेब सीरीज है फिजिक्स वाला, वो अभी अमेज़न मिनी टीवी पे नंबर 1 ट्रेंड कर रही है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, दोस्त है अपना यार, भैया थोड़ा गर्व होता है तो दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है ना, आपको यकीन नहीं आएगा लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ, देखना। हाँ ये देखो ऊपर ही था मेरी फोटो, ये देखो गाइस नंबर 1 ट्रेंड कर रही है, देखो फिजिक्स वाला नंबर 1 ट्रेंड कर रही है। तो बड़ा प्राउड फील होता है यार, देखो जब अपना दोस्त कोई ऐसा काम करता है। और बाकी यार ये जिस शख्स की जो बायोपिक है, जो डॉक्यूमेंट्री है, वो आपको बता रहे हैं, वो अपने आप में एक सक्सेसफुल आदमी है, तो उनके पीछे की जो स्ट्रगल है, वो जो स्टोरी है ना, सही में मुझे पर्सनली भी बहुत अच्छी लगी और देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया। शूटिंग में कितना टाइम लग गया सर, ये जो 6 एपिसोड आए ना इनमें? यार इसमें शूटिंग हमने टोटल की है 35 डेज, मतलब 35 दिन। हाँ 30 दिन हमने ऐसे शूट किया था, 5 इसलिए बढ़ गया क्योंकि बीच में लॉकडाउन लग गया था। अच्छा, हमने 3 शहरों में शूटिंग की, हमने इलाहाबाद में किया है, देहरादून में किया है, फिर बम्बई में भी किया था हमने, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग गया 35 दिन, लेकिन बहुत वॉर लेवल पे शूट किया भाई।
मतलब ऐसा था कि 16-16 घंटे 18-18 घंटे हो जाते थे शूटिंग में, क्योंकि चक्कर ये था कि लंबे लंबे चैप्टर हैं और आप पढ़ा रहे हो और वो इमोशन के साथ हो आप, और हमारे ये था कि कुछ भी नकली नहीं होना चाहिए, मतलब जितना देख रहा हो उसमें फिजिक्स ना वो हमने भाई पढ़ी है समझ के तब हमने बोली है, क्योंकि मुझे लगता था कि यार एक टीचर का रोल कर रहा हूँ तो अगर मुझे ही नहीं आ रहा होगा मैं अंदर से खुद ही करप्ट रहूंगा तो मैं अच्छा नहीं पढ़ा। अरे तो तभी तो नंबर वन ट्रेंड कर रही है यार। तो देखो अब देखो सीधी सी बात है, आप हो फिजिक्स वाले, हम एक्सपेरिमेंट वाले, हो जाए फिर एक एक एक्सपेरिमेंट यार। वो करंट वरंट टाइप तो नहीं होना चाहिए भाई, वो हमसे बोले थे जब जयपुर में मुलाकात हुई, कहते कि एडवेंचर रहता हमारे एक्सपेरिमेंट। हां तो एडवेंचर करते हैं ना यार, करंट नहीं। चलो चलो दे, उससे बढ़िया ही होगा, उससे बढ़िया पक्का वादा रहा पक्का होगा, उससे अच्छा होगा। कुछ इशारे कर रहा था भाई तू, मुझे लग रहा है कुछ इशारे कर रहा था ना ये, प्यारी समझ गई। ला भाई ला मॉन्स्टर मैग्नेट, ला मॉन्स्टर मैग्नेट। क्या मॉन्स्टर मैग्नेट है मेरे पास में। जनरली देखो इस मैग्नेट को कभी भी दूसरी मैग्नेट से नहीं मिलाया जाता है, दूसरे वाले भैया को दे दे, तो ये दोनों कभी भी मिलती नहीं है, कब दे दो तो ये दोनों उनको तो मैं तो जानता हूँ उनको तो, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं, इन्हें मिलाने की कोशिश करेंगे, जनरली इन्हें नहीं मिलाया जाता, आपको मैं बता दूं, ऐसा तो आप जानते, फिर मैं बता देता हूं। तो मैंने एक मैग्नेट यहाँ पे रख दी है इस यहाँ पर, और लकड़ी लाओ लकड़ी, तो दूसरी मैग्नेट को यहाँ पे रखो आप, यहाँ पर मैं इसे पहले दूर कर दूं, हाँ यहाँ पे रखो, यहाँ पे रख दो। अब आपको क्या करना है, इस लकड़ी की मदद से इस दोनों मैग्नेट को मिलाना है, लो पकड़ो है ना, इसको है ना धीरे से जाके उससे एक हल्का सा मिला दो, तो क्या होगा भाई, देखो तो मिलाओगे तो पता पड़ेगा यार। नहीं ग्लास पे ना डर लग रहा है भाई। नहीं मिलाओ मिलाओ मिलाओ, हाँ फिजिक्स वाला कम ऑन हाँ मिला लो, अरे हाँ मिला लो, मिला धीरे हाँ धीरे, जान दो कम ऑन, हाँ जान दो हाँ, और जान दो वे यार भाई, हो गया आपका मेरिट गया, एक्सपेरिमेंट तो हो गया ना, लेकिन अब देखो ये है पावर, इसीलिए मैं कह रहा था अगर इन दोनों के बीच में अपना हाथ आ जाता ना भाई, खत्म, मजा छू सकते हैं, हाँ छू सकते हैं ना, ये बहुत नहीं निकाल पाओगे, शर्त लगा सकता हूँ मैं, डॉलर्स के अंदर शर्त लगा सकता हूँ, डॉलर्स के अंदर तुमसे नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, डॉलर मिल जाएगा, नहीं निकलेगा, मजा आया, मजा तो आया। फिर एक तो डायलॉग भी सुना दो हमारी ऑडियंस को यार, हमें आपके डायलॉग सुन के बड़ा मजा आया था सीरीज के अंदर। एक तो वो वाला है, हेलो बच्चों क्या हाल चाल, बढ़िया एकदम। एक जो मेरे सबसे दिल के करीब है ना वो डायलॉग दिलराज, मतलब जो सबके दिलों पे भी राज कर रहा है, वो है कि रेवोल्यूशन जो है वो एजुकेशन लाइन में टीचर ही लाएगा, कंपनी नहीं। ये बात, और ये बहुत बड़ी चीज है, ये बात बहुत सही बात है, मतलब जो समीर मिश्रा लिखा है गजब लिखा है, बहुत बढ़िया, मतलब दिल के छूने वाला डायलॉग है। नहीं मैंने भी सुना था ट्रेलर के अंदर, ट्रेलर भी था ये डायलॉग, एक और हो जाए क्या एक्सपेरिमेंट ऐसा ही इससे तगड़ा करेंगे इस बार, इससे तगड़ा करेंगे यार, लेकिन मतलब थोड़ा सेफ्टी देख क्या सेफ्टी, अभी कुछ आ गया ना लेकिन थोड़ा सा विश्वास चाहिए यार, लेकिन शुरुआती करंट से कर दी, करंट के बाद मैग्नेट आ गया, अब मैग्नेट बाद पता नहीं कहां ट्रांसफार्मर ले आओ, दस्तूर है बढ़ता ही जा रहा है, अरे रॉकेट लाओ रॉकेट, अरे यार रॉकेट, अरे रॉकेट पानी वाला यार, डर क्यों रहे हो यार, हो गया रॉकेट तैयार हो गया। तो गाइस ये रहा बेस, और हम लॉन्च करने वाले हैं भाई के साथ में वाटर बॉटल रॉकेट, तो पानी इसके अंदर हम डाल दें, ले बहुत ऊपर जाएगा यार, अब देखो डालो, ये डिपेंड करता है कि उड़ा कौन रहा है इसमें डाला क्या, पानी डाला ना, सिर्फ पानी डाला बस, और हवा डालेंगे, बस हवा डालेंगे और इससे उड़ जाएगा, इससे उड़ जाएगा, मैं इसमें हवा भर रहा हूँ और आपको मेरे बोलते इस रस्सी को खींचना है तेजी से, अच्छा ठीक है, फिर देखते हैं रॉकेट कितना ऊपर जाता है, सिंपल सी साइंस है बाबू, हवा ज्यादा भर गई तो फट भी सकता है भाई, यार भाई तो ज्यादा मत भरना, ज्यादा भरूंगा मैं दिलाज नहीं यार, हाँ भाई मैं रोज रोज थोड़ी आते हो भाई, मैं खींच, अरे मैं और भर रहा हूँ, रुको अरे रुक जाओ, थोड़ी और भाई, बिना खींचे उड़ जाइए, 1-2-3 खींचो, ओ हो हो, इसमें मजा आया कुछ भी ऐसा नहीं है,
तो आप जब आप लोग जब यार शूटिंग करते हो तो मतलब ऐसा मजा आता है, मतलब ऐसा माहौल बनता है क्या? अरे बहुत बढ़िया है यार, शूटिंग तो रियली है, बस हम क्या करते हैं कि चीजों को जीना शुरू कर देते हैं। हाँ। जब आप जीना शुरू करते हैं तो मजा आएगा। अब थोड़ा ये है कि मुश्किल रहता है, जैसे अभी इस वाली शूटिंग में क्या हुआ कि लोकेशन का पंगा हो गया थोड़ा, क्योंकि अच्छा। भाई कोरोना की वजह से। हाँ। तो पता चला भाई जो जाड़े वाले सीन है, जो हम स्वेटर और जैकेट में देखोगे ना, थर्ड एपिसोड देखोगे, वो दिखा रहे हैं उसमें कि एकदम चिल ठंडी है, हम लोग कोटी में बैठे हुए हैं, हकीकत में हमने 48 डिग्री सेल्सियस में उसको शूट किया है। सीरीज में दिख रहा है कि ठंड पड़ रही है। हाँ। कड़ाके की ठंड, हम जैकेट और वैसे ऑन लोकेशन 48 धूप, अरे भाई बम्पर धूप, ऐसा कि एकदम चेहरा लाल हो गया, बिल्कुल हालत खराब। लेकिन सबसे ज्यादा मजा इसलिए है कि टीम बहुत अच्छी थी, प्रैंक बहुत करते थे हम लोग एक दूसरे से। वही चीज देखो, हमारी टीम के अंदर भी यही है, दिन भर क्या है दोस्तों के साथ में, आप देखते हैं दोस्तों के साथ मजाक मस्ती चलती रहती है, दिन कब गुजर जाता है, कब हम काम को मजे में बदल देते हैं, यही सेम बस यही चीज। बाकी देखो एक चीज कहूंगा मैं कि वैसे तो बहुत सारे लोगों ने देख लिया है, लेकिन जिसने भी फिजिक्स वाला वेब सीरीज नहीं देखी है देख लेना, मेरे दोस्त ने काम किया है और सीना ठोक के कह रहा हूँ जाके देखना। यही है ना गाड़ी, अभी आ गया, इसके अंदर बजाओ, आओ, 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 ये 4x4 वही अपनी वाली गाड़ी। लाल मेरी तरफ दे दिया, खतरा हमको दे दिया यार। चक्कर आ गए इस बार ही तो भाई, सासी तेज होगी दिलराज भाई, क्या गाड़ी बनाई यार ये भाई को समझ में नहीं आ रहा कि यार मैं चला रहा हूँ, कौन चला रहा है समझ नहीं आ रहा। इसमें होता है ऐसा है कि स्टेयरिंग, मतलब देखो ये बंदा किधर भी काटे या फिर ये बंदा किधर भी काटे उससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों ड्राइवर्स का मिलना जरूरी होता है। असली इंडियन हैकर ये है भाई, ये हैक कर लिया पता ही चला चला कौन रहा है, किसके हाथ में स्टेयरिंग। मजा आया, बहुत मजा आया यार, मतलब मेरी सांसें अभी भी ऊपर नीचे हो रही है, ऐसा लग रहा है। एक बात बताओ, शूटिंग के टाइम पैसा मजा आता है यार? इतना तो नहीं आता दोस्ती है अपन तो बाकी गाइस एक चीज मैं आप लोगों से कहूंगा, देखो अपना दोस्त है और दोस्त ने काम किया उस वेब सीरीज के अंदर, तो जिसने भी नहीं देखी है अमेजोन मिनी टीवी पे जाओ और देखो फिजिक्स वाला, फ्री है यार, फ्री है ना? बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है, आपको कुछ नहीं करना है, अमेजोन शॉपिंग ऐप पे जाना है, वहां मिनी टीवी का बटन दबाना है और बस आपको सीरीज मिल जाएगी। सीना ठोक के ये रहो, अपने भाई ने काम किया तो देखना है, ठीक है, जरूर से देखना है, ठीक है, एक एपिसोड नहीं सारे एपिसोड सारे सीजन, और मजा आएगा आपको दोस्तों। 6 एपिसोड 6 तरीके के, उनके नाम भी बड़े प्यारे प्यारे हैं, पहला है अच्छा टीचर, अच्छा। दूसरा आपका आता है सीधा अमन और नगमा, तीसरा था पाई, पूरा मत बताओ मैं एक्साइटेड हूँ ना। तो गाइस यार आज के लिए बस इतना ही, अपना दोस्त है यार, बड़ा गर्व फील होता है जब कोई दोस्त ऐसा काम करता है, तो सब आप लोगों की वजह से ही यार ऑडियंस ही क्रिएटर को बनाती है। ये तो बात है, हम दोनों में एक चीज बड़ी कॉमन है, वो है दर्शकों का प्यार, वही बात है, ये सबसे बड़ी कॉमन चीज है यार। तो गाइस यार आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, दाल बाटी दाल बाटी चलो